नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्केट पिछले दो दिनों में वोलेटाइल हो गया है, दो दिनों में गिरावट की ओर है। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट हमेशा ऊपर बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। विदेशी संस्थागत निवेशक इस समय बिल्कुल बिकवाली पर लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो विश्व की बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, जैसे नोमूरा हो गया, मूडीज हो गया, ये सभी बड़ी बड़ी जो ब्रोकरेज फर्म हैं भारत को लेकर के चिंतित हैं। भारत के ग्रोथ को लेकर के इन लोगों ने अपनी रेटिंग डाउन किया है। जो ग्रोथ 10% के आसपास दिखाया जा रहा था, उस पर इन्होंने काट करके 7% 6% कर दिया है। तो लिहाजा अंततः यह जो है मार्केट को नीचे ही लेके जाएगा। जिस तरीके से कोरोना को लेकर के देश में चिंताजनक स्थिति है, जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट बिल्कुल बंद चल रहा है, तो जो अप्रैल जो तिमाही समाप्त हो, जो अभी जो आंकड़े रिजल्ट आ रहे हैं, इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें जो होगा, जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें ये सब आंकड़े दिखाई देंगे, कोरोना वाले प्रभाव। तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। मार्केट की जो तेज़ी है और देश की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन इस समय नहीं दिख रहा है। मार्केट उल्टा जाना चाहिए, मार्केट बढ़ता जा रहा है, नीचे जाना चाहिए, बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमेशा मार्केट जो है लोगों की अपेक्षाओं से उल्टा चलता है। लोग सोचते हैं गिरेगा तो बढ़ने लगता है, और लोग सोचते हैं बढ़ेगा तो गिरना शुरू हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। तो हमारा आपका काम है कि जो चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, जब जब खरीदारी का मौका आता है, हमें उसमें खरीदारी करना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज एक फिर मैं एक शेयर लेकर के आया हूं, जिसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें महीने दो महीने के नज़रिए के दृष्टिकोण से हमको खरीदना चाहिए। और यहां से हम खरीदते हैं तो निसंदेह ये जो शेयर होगा अच्छा रिटर्न देगा। अपने उच्चतम स्तर के आसपास ये शेयर चल रहा है, वहाँ से ये हल्का सा करेक्शन दे चुका है। तो जब जब करेक्शन देवे तब तब स्टॉक ऐसे खरीदने चाहिए। पूर्ण रूप से अप ट्रेंड और मोमेंटम वाला स्टॉक्स है, तो किसी भी स्तर पर खरीदिए, हमेशा विन विन की पोजीशन होती है। तो चलते हैं इस शेयर को, देखते हैं क्या है, कौन सा है, क्या उसकी स्थिति है। तो जिस शेयर को लेकर के मैं आया हूँ, वो शेयर वर्तमान में देखा जाए तो 722 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन जो है ये 12 मई को 25.65 रुपया बढ़ करके, अब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 3.7% यह शेयर बढ़ करके बंद हुआ है। इसका ज़रा एक चार्ट देख लेते हैं कि 4 साल 5 सालों के चार्ट में यह अप ट्रेंड वाला है कि वो वाला है। तो जैसे एक महीने का है, एक महीने में वोलेटाइल टाइप का दिख रहा है। तीन महीने का देखिए तो तीन महीने में ठीक ठाक है। छः महीने का देखते हैं, छः महीने में देखिए ये जो शेयर है बिल्कुल क्लियर कट अप ट्रेंड वाला दिख रहा है। साल भर देखेंगे तो साल भर भी देखिए तो साल भर के नज़रिए से भी ये शेयर जो है बिल्कुल अप ट्रेंड वाला दिख रहा है। दो साल का देखिए तो दो साल के दृष्टिकोण से थोड़ा सा निराशाजनक कर रहा है, उतना ज़्यादा ये नहीं बढ़ रहा है। और यदि 5 साल का आप देखेंगे, 5 साल का देखिए तो 5 साल के रिटर्न में भी ये जो शेयर्स है उतना ज़्यादा संतोषजनक स्थिति इसकी नहीं है। फिर भी ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। अब आप इसको देखिए, जो बीच में ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, ये काफ़ी शेयर इसमें नीचे जा चुका था। ये ड्यूरेशन कब का है, ये 2 सालों का है। फिर सर 2 साल का देखिए, ये देखिए 2 साल का चार्ट। 2 सालों में अब देखिए इस जगह पर ये कौन सा डेट है, 24 फरवरी 2020, और वहाँ से ले करके और यहाँ तक 3 मार्च 2021, यानी 1 सालों तक ये जो शेयर्स है, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ तक, ये कुछ भी प्रदर्शन नहीं किया है, नीचे चलता जा रहा था। तो यहाँ से जब रिकवर किया है तो अब देखिए कितना शेयर अपनी ऊंचाई पर चल रहा है। इसका पीछे का प्रदर्शन ज़रा देख लेते हैं, ये देखिए पीछे का प्रदर्शन देखेंगे तो एक महीने में लगभग 4% बढ़ा है, 3 महीने में 28% का रिटर्न है, 6 महीने में 122% का रिटर्न है, 1 साल में 153% का रिटर्न है, 2 सालों में 22% है, और 5 सालों में 75% का रिटर्न दे चुका है। अन्य इसका 52 वीक हाई लो देखेंगे,
लेकिन 52 वीक हाई देखिए तो 52 वीक हाई है 833 रुपया, 52 वीक लो कितना है 273 रुपया। ये कब बना है? 52 वीक हाई जो बना है ये 8 अप्रैल 2021 को बना है, यानी आज से देखा जाए तो अब से लगभग एक महीना पहले 52 वीक लो हाई बना था। और 52 वीक लो देखेंगे तो 52 वीक लो बना है 22 सितंबर 2020 में, यानी सितंबर लगभग 6-7-8 महीना पहले ये लो बना है। मूविंग एवरेज देखेंगे तो देखिए मूविंग एवरेज देखिए 5 दिन का 687 है, 100 दिन का 635 है, 200 दिन का 481 है, 20 दिन का देखिए तो 733 है, 50 दिन का 749 है। ये जो शेयर है वर्तमान में 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो 5 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जो शेयर चलता है वो माना जाता है कि शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से बुलिश पैटर्न माना जाता है। ज़रा इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए 20 दिन का 727 है, 50 दिन का 712 है, और देखिए 5 दिन का 696 है, 100 दिन का 643 है, और 200 दिन का 557 है। फंडामेंटल वगैरह जरा देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल ये जो कंपनी है बिल्कुल केमिकल की कंपनी है, और केमिकल कंपनी का नाम है टाटा केमिकल, तो जाहिर सी बात है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा का मैनेजमेंट है, तो कोई स्टॉक पर प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। 722 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैपिटल 18,402 करोड़ का है, यानी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस जो देखिए 71 है, ईपीएस 10.06 रुपया है, इंडस्ट्री पी 49 है, और बुक वैल्यू 594 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.22 है। हालांकि पी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही सस्ता शेयर इस समय ये दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.52% है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन है। रेशियो देखेंगे जो रिटर्न रेशियोज होते हैं, टाटा का है केमिकल है, जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने जो है अपने काफ़ी बिजनेस को उसमें कर रहे हैं, ये रिस्ट्रक्चरिंग पे लगे हुए हैं। पहले आप लोगों ने देखा कि टीसीएस के बाद इन्होंने टाटा ग्लोबल पर ध्यान दिया, टाटा ग्लोबल कैसे कंपनी हो गई, फिर टाटा मोटर्स पर इन्होंने ध्यान दिया, देखिए टाटा मोटर्स भी लगातार अपनी ऊंचाइयों की तरफ चल रहा है, उसके बाद टाटा केमिकल। इन्होंने क्या किया कि टाटा केमिकल और टाटा ग्लोबल बेवरेज दोनों के बिज़नेस को इधर से उधर किया, कुछ प्रोडक्ट जो थे टाटा ग्लोबल में लेके चले गए, कुछ वहाँ से उठा करके इसमें कर दिया, तो इन्होंने बिज़नेस को रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया। और ऊपर से आप रिटर्न रेशियो देखिए, क्या बेहतरीन रिटर्न रेशियो है, ROE 57, ROC 39, और रिटर्न आने से 26%, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा, ऐसा रिटर्न रेशियो कम देखने को मिलता है। और देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए तो 0.58 है, ठीक है, वो देख लीजिए एबिटा मार्जिन वगैरह, तो एबिटा मार्जिन देखिए 21% एबिट मार्जिन, इतना प्रॉफिट मार्जिन गजब का है 69.53, जो स्टॉक एज ऐप दिखा रहा है उस पे है, अर्निंग पर शेयर तमाम तरह की चीज़ें जो बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो आपका प्रमोटर की होल्डिंग 37.98 है, 38% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। पब्लिक के पास 62% की हिस्सेदारी है, जिसमें FII 14%, DII 20.77% है, और गैर संस्थागत 27.19% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ज़रा देख लेते हैं। अब ये देखिए पब्लिक होल्डिंग में टाटा सन्स पर 31% है, टाटा इन्वेस्टमेंट में वोल्टास के पास भी इसके शेयर है, टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड, तो ये जो टाटा के तमाम जो उनके वो हैं। अन्य देखते हैं आप तो पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए जो बड़े बड़े हिस्सेदार हैं, देखिए LIC ऑफ इंडिया 7% की हिस्सेदारी है, HDFC म्यूचुअल फंड के पास भी देखेंगे 3.22% की हिस्सेदारी है, ICICI प्रोडेंशियल के पास भी 2.26, एसेसिया
पार्टनरशिप पर 1.6%, यानी बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड में देखेंगे, म्यूचुअल फंड भी अच्छी खासी होल्डिंग है, HDFC मिड कैप, SIC पोटेंशियल, कोटक इक्विटी, SIC पोटेंशियल मल्टी कैप, SIC पोटेंशियल, IDFC टैक्स एडवांटेज, यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंडों ने इसमें भर भर के शेयर ले रखा है। तो इस शेयर के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए हम स्क्रीन की साइट पर चले आए। स्क्रीन साइट जैसे कि जानते हैं बहुत बेहतरीन साइट है। तो आप देखिए, टाटा केमिकल इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट, और क्या करती है, विथ प्लांट स्प्रेड अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंटल, यानी 4 महाद्वीपों में इसका बिजनेस फैला हुआ है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। वी आर द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस एंड इंडियन लीडिंग वैक्यूम इवापोरेटेड आयोडाइज्ड साल्ट प्रोड्यूसर, यानी जो टाटा का नमक आता है वो भी ये बनाते हैं। देयर साल्ट वर्क्स स्प्रेड ओवर 36,000 एकड़ में इनका जो एशिया का लार्जेस्ट फैला हुआ है। वी प्रोड्यूस सोडा एश यूजिंग सिंथेटिक एंड नेचुरल माइनिंग प्रोसेस, आप थ्री फोर द कैपेसिटी कंसिस्ट ऑफ नेचुरल सोडा एश। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि ये जो कंपनी है ऑल टाइम हाई से 13% नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी। 52 वीक हाई से देखेंगे तो 52 वीक हाई देखिए ये है, 52 वीक हाई 834 है और ये 722 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि 110 रुपया नीचे है 800। और देखा जाए तो यानी ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई दोनों एक ही है। और इसमें देखिए आप, इसका चार्ट है, चार्ट तो हम पहले दिखाई चुके हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड बहुत बेहतरीन दे रही है। खराबी इसमें क्या है, पुअर सेल्स ग्रोथ इन्होंने दिखाया है पिछले लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहे हैं। अब आप देखिए इनकी जो पीयर्स कंपनियों में, आप देखिए पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, अल्कलाइल एमाइंस, गोदरेज इंडस्ट्री और बिनती ऑर्गेनिक्स, ये सभी की सभी बेहतरीन और उम्दा कंपनियाँ हैं। मेरे पास ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट है, मैं हमेशा, यदि आप हमारे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं तो आप देखेंगे पाएंगे कि मैं इन कंपनियों के बारे में बार बार चर्चा करता रहता हूँ, आरती इंडस्ट्री, पीडीलाइट, अल्कलाइल एमाइंस का भी, बिनती ऑर्गेनिक्स का भी, तो बहुत बेहतरीन है। और आगे देखिए इसमें आप प्रॉफिट लॉस में हम देखते चले जाते हैं, थोड़ा सा रफ आइडिया वहाँ से ले लेते हैं। तो अब आप देखिए सेल्स देखिए, जो मार्च 10 में 9,449 था, 11,000, 13,000 के बाद देखिए 14,000, 15,000, 17,000, 14,000 फिर कम हुआ, फिर 10,000 कम हुआ 17 में, फिर 10,000, फिर देखिए ये इधर से लगातार जो है स्टेबल चल रहा है। अब चूंकि कंपनी का फोकस कुछ बढ़ा है, बदला है, मैनेजमेंट एग्रेसिव हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आंकड़े भी अब बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 17-19% है, जो पहले ज़्यादा था। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बिजनेस को रीस्ट्रक्चरिंग किए हुए हैं उसके कारणों से भी ये दिख सकता है। नेट प्रॉफिट आप देखिए, तो नेट प्रॉफिट आप देखिए जो 7,006 करोड़ है, 1,156 करोड़ है, 2,433, 993, यानी नेट प्रॉफिट भी इसका ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ वगैरह जो दिख रहा है वही गड़बड़ है, आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टॉक CAGR बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9%, थोड़ा सा ये है, लेकिन चूँकि टाटा का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एग्रेसिव है, और तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रिटर्न रेशियो जो भी ये सब सेल्स ग्रोथ वगैरह दिख रहे हैं ये सब समय के अनुसार और बेहतर होंगे, और बेहतर होंगे तो कंपनी और भी अच्छी होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की, स्ट्रॉन्ग बिजनेस की कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के नज़रिए से एक से लेकर के दो महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको खरीदारी करने को सोच रहा हूँ, जो यहाँ से आसानी से 10-15% के आसपास जितना वो ऑल टाइम हाई है, मुझे लगता है कि ये जो है आने वाले समयों में दो महीने के दौरान ये जो ऑल टाइम हाई का जो गैप है, इस गैप को ये फील करेगा, इससे ऊपर जा कर के नया हाई इस शेयर को बनाना चाहिए। इस कंपनी की तरफ वेबसाइट पर भी हम चलते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर ही काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है,
इन FY20 TCL इन टाटा कंज्यूमर डिमर्ज इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस टाटा कंज्यूमर इन जो टाटा ग्रुप बीच देखिए प्रोडक्ट लिमिटेड विया शेयर स्वैप ट्रांजेक्शन द CPP कंसिस्ट ऑफ ए वैक्यूम कई चीज़ें जो दिया है आप लोग पढ़ सकते हैं ये क्या बनाती है कंपनी इसको भी देखिए डिमर्जर हैज हेल्प द कंपनी टू फोकस ऑन इट्स 2K सेगमेंट यानी कंपनी जब डिमर्ज हुई है तो इस कंपनी के बिजनेस पर टाटा का फोकस बढ़ा है तो क्या फोकस बढ़ा है बेसिक केमिकल पर बढ़ा है 75% आपकी यानी सोडा इस पर बढ़ा है जो 56% रेवेन्यू देती है सोडियम बाइकार्बोनेट पर बढ़ा है साल्ट है जो नमक टाटा है और अब देखिए टाटा सीमेंट है इसके साथ सबसे एक और आकर्षक जो बिजनेस है वो टाटा सीमेंट भी है सीमेंट का भी कारोबार इनके पास है और देखिए स्पेशलिटी केमिकल भी इनके पास है 25% रेवेन्यू देखते हैं एग्रो साइंस भी है और आपका न्यूट्रिशनल साइंस भी है तो कुल मिलाकर के देखा जाए मटेरियल साइंस भी है तो हम एनर्जी साइंस भी देखिए दिखा रहे हैं तो हम एक छोटे से शेयर में एक शेयर में हम कई सारे बिजनेस को हम पकड़ते हैं और देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है जियोग्राफिकल सेगमेंट वगैरह देखिए ये देखिए ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंसर कंपनी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन प्लान्स ओवर द ईयर्स काफ़ी चीज़ें हैं मतलब कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन है जो पीछे के जो इसके खराब रिटर्न हैं वो बुरे दौर गुजर चुके हैं अब ये कंपनी लगातार ग्रो करेगी बहुत अच्छा जाएगी और यही नहीं टाटा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं अब देखिए टाटा स्टील को इन्होंने किस तरह से उसमें अन्य कंपनियों को जोड़ते जा रहे हैं जो टाटा स्पंज हो गया फिर आपको एक और जो इस तरह के जो उनके मेटल टाइप की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को ये लोग लगातार उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भूसल स्टील का भी हो गया उसी तरह से टाटा कंज्यूमर को किया टाटा मोटर्स पे भी लगे हुए हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा का पूरा जो मैनेजमेंट है टाटा की एक एक कंपनी पे इनका फोकस बढ़ा है बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर उतारू हैं इसी तरह से आप देखिए टाटा कम्युनिकेशन के शेयर्स देखिए वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किए हैं टाटा TCS तो अपने आप प्रदर्शन कर ही रही है तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मैनेजमेंट और पूरा ग्रुप ही बहुत ही आकर्षक है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उम्मीद है मित्रों ये वीडियो अच्छा लगा होगा कोई जानकारी चाहिए कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकता है और लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च अवश्य करिएगा या अपना आपका जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा उससे सलाह जरूर लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत